हेलो फ्रेंड्स, ई-लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका सैलरी इनकम 10 लाख है तो कितना टैक्स लगेगा, कौन सा टैक्स रिग में आपको चुनना है, पुराना वाला या नया वाला, यहाँ पर तीन अलग अलग सिचुएशन का एग्जांपल लेकर देखेंगे ताकि आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आए। ध्यान देना, ये जो वीडियो है आने वाले 2 सालों के लिए एप्लीकेबल रहेगा, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए भी और 25-26 के लिए भी। इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला सिचुएशन जहां पर हमारा सैलरी इनकम 10 लाख है लेकिन हमारे पास कोई डिडक्शन नहीं है। अब सैलरी इनकम हमने यहां पर मेंशन कर दिया हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सेक्शन 10 के तहत जो एग्जम्प्ट अलाउंस होते हैं उसको भी आप यहां पर क्लेम कर सकते हो। हमने यहां पर बहुत ही मॉडरेट अमाउंट लिया हुआ है, इससे ज्यादा ही लोगों को मिलता है लेकिन हमने यहां पर कम अमाउंट लिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपका जो भी सैलरी इनकम होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। ओल्ड टैक्स रिग में हो या नया टैक्स रिग में, दोनों में अब आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। अब यहाँ पर इनकम हमारा हो गया है 9 लाख ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से और 9.5 लाख नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से। अब इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखें तो 9 लाख यहां पर हमारे पास सैलरी इनकम है तो ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से यहां पर आपको टैक्स लायबिलिटी बन रहा है लगभग 96,000 और अगर नया टैक्स सिस्टम के हिसाब से देखें तो यहां पर आपको टैक्स लायबिलिटी बन रहा है लगभग 54,000। तो अगर इसको हम ओल्ड टैक्स सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो यहां पर बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। नए टैक्स सिस्टम में आपको बहुत ही ज्यादा कम टैक्स लग रहा है जबकि पुराने में बहुत ज्यादा लग रहा था। अगर आपके पास डिडक्शन वगैरह नहीं है तो नया टैक्स सिस्टम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं जहाँ पर 1 मिनट के अंदर कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है तो थोड़ा सा समय लगेगा। ये कैलकुलेटर अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। और ये किस तरीके से काम करता है उसका भी सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक दूसरा सिचुएशन हम यहाँ पर मान लेते हैं, हमारे पास सैलरी इनकम तो है ही 10 लाख का, साथ ही साथ कुछ अदर सोर्स के भी इनकम है। नॉर्मल लाइफ में अदर सोर्स के कुछ न कुछ इनकम तो होते ही हैं, जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो गया, एफडी पर इंटरेस्ट हो गया, उसके अलावा डिविडेंड वगैरह भी आपको हो सकता है। तो हमने यहाँ पर अमाउंट मॉडरेट लिया हुआ है, ना ज्यादा लिया हुआ है ना बहुत ही कम लिया हुआ है। उसके साथ साथ ही अब हमारे पास डिडक्शन भी है। हमने यहाँ पर जो डिडक्शन लिया हुआ है वो भी नॉर्मल केसेस में सबके पास रहते ही है, जैसे कि ATC का डिडक्शन है, LIC हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, पेंशन का ATD है और उसके अलावा सेक्शन 80 TTA है। अब ये सारे डिडक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में सबके पास होते ही हैं, इनसे ज़्यादा ही होते हैं। हमने यहाँ पर मॉडरेट लिया हुआ है, ना ज़्यादा लिया हुआ है ना कम लिया हुआ है। तो अब हमारे पास सैलरी का इनकम है, अदर सोर्स का इनकम है और डिडक्शन भी है। अब हम ओल्ड टैक्स रिग में के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर टैक्स का कंप्यूटेशन कुछ इस तरीके से होता है। सैलरी अदर सोर्स भी आ गया है, डिडक्शन हमें मिल गया है और टोटल इनकम इतना दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अब टैक्स लगने वाला है। टैक्स का अमाउंट यहां पर हमें देखिए फाइनल अमाउंट 62,000 के आसपास आ गया है। ये ओल्ड टैक्स रिग में का है। नए टैक्स रिग में हम देखेंगे तो यहां पर कंप्यूटेशन कुछ इस तरीके से होता है। सैलरी है, अदर सोर्स का इनकम है, डिडक्शन यहां पर लिमिटेड मिला हुआ है, ओल्ड में ज्यादा मिला हुआ, यहाँ पर कम मिलता है। टोटल इनकम यहाँ पर इतना आ गया है, ओल्ड टैक्स सिस्टम से ज्यादा यहाँ पर टैक्सेबल इनकम आया है। कैलकुलेशन यहाँ पर इस तरीके से हुआ है और जो टैक्स लायबिलिटी है वो 51,480 के आसपास आ गया है। तो अभी भी देखा जाए तो जो नया टैक्स सिस्टम है वो ज्यादा बेनिफिशियल है इस केस में भी, जबकि हमने डिडक्शन भी इंक्लूड किया हुआ है, लगभग 1,90,000 के आसपास का डिडक्शन भी हमने ऐड किया हुआ है। अब एक तीसरा सिचुएशन भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर सैलरी इनकम अदर सोर्स और डिडक्शन तो है ही, साथ साथ हमारे पास होम लोन भी है। तो होम लोन अगर है तो उसके इंटरेस्ट का क्लेम हम ले सकते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट को भी हम डिडक्शन में दिखा सकते हैं। यहाँ पर 2 लाख तक का क्लेम तो आप ले सकते हो लेकिन हमने 1.5 लाख ही लिया हुआ है और उसी के साथ साथ सेक्शन 80C में हमने यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट भी ऐड किया हुआ है 75,000। इसका मतलब है 20-22,000 का होम लोन का इंस्टॉलमेंट अगर होगा तो इस तरीके से काम कर जाएगा, ठीक है। तो सैलरी भी है, हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट भी है, अदर सोर्स भी है, डिडक्शन भी है। तो अब ओल्ड टैक्स रिग में कितना टैक्स लायबिलिटी आएगा, यहां पर आप देख सकते हो सैलरी है, इंटरेस्ट का भी यहाँ पर बेनिफिट मिल गया, अदर सोर्स है और उसके अलावा डिडक्शन का भी बेनिफिट हमें मिल गया। टैक्सेबल इनकम यहाँ पर 5,38,000 के आसपास आ रहा है। टैक्स कैलकुलेट होगा
तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी 20,000 के आसपास आ रहा है और जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है 21,000 के आसपास आ रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया है और साथ साथ एक और एडवांटेज मिल सकता है। कौन सा एडवांटेज है आगे मैं आपको बताऊंगा। ओल्ड टैक्स सिस्टम में 21,000 आ रहा है और नए टैक्स सिस्टम में जब जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो होम लोन के इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिला, उसके अलावा डिडक्शन भी लिमिटेड है तो टैक्सेबल इनकम यहाँ पर ज्यादा है। नीचे आएंगे तो इस इनकम पर टैक्स भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो कंप्यूटेशन, और जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी दिखाई देता है वो अभी भी 51,000 के आसपास ही है। तो ओल्ड टैक्स सिस्टम में हमें बेनिफिट मिल जाता है जो होम लोन का इंटरेस्ट था और डिडक्शन का। यहाँ पर एक चीज आप देखिए, ये जो टैक्स लायबिलिटी है 21,008, इसको जीरो भी किया जा सकता है अगर आप टैक्स प्लानिंग करते हो तो, क्योंकि आपका इनकम यहाँ पर देखिए 538,500 है, मतलब आपके टैक्सेबल इनकम में से 38,500 अगर माइनस हो जाए तो 5,00,000 बचेगा और 5,00,000 इनकम पर जो भी टैक्स लगेगा उस पर रिबेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। क्या टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, डिडक्शन वाले पेज पर जाइए, यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं, आप देख लीजिए कि कुछ और आपके लिए क्या एप्लीकेबल है या आप ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाए। जैसे कि हमारे केस में देखिए एनपीएस का हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस केस में तो सिर्फ 39,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे एनपीएस में तो टैक्स लायबिलिटी हमारा जीरो हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर 50,000 का अमाउंट एंटर कर देते हैं। अब 50,000 का अगर एनपीएस आप कर लेते हो तो इसका बेनिफिट देखिए यहाँ पर आपको मिल गया। ओल्ड टैक्स सिस्टम में जो डिडक्शन था ज्यादा हो गया, आपका टैक्सेबल इनकम यहाँ पर 5,00,000 से कम हो गया, यहाँ पर टैक्स तो कंप्यूट हो गया है 11,900 रुपए, लेकिन रिबेट भी यहाँ पर मिल गया है तो टैक्स लायबिलिटी आपका बिल्कुल जीरो हो जाता है। अब यहाँ पर एक गलत फहमी के बारे में भी हम बात करेंगे जो कि नए टैक्स सिस्टम से रिलेटेड है। काफी लोगों को लगता है कि 7,00,000 तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, बट दोस्तों ध्यान देना है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सिर्फ 3,00,000 का ही है। 7,00,000 तक का अगर आपका टोटल इनकम होता है तो जो भी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होता है उस पर रिबेट मिल जाता है सेक्शन 87A के तहत 25,000 रुपए तक का। बट आपका अगर टोटल इनकम 7,00,000 से 1 रुपया भी ज्यादा है तो आपको रिबेट नहीं मिलता है, छूट तो सिर्फ 3,00,000 का ही है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में देखिए छूट सिर्फ 2,50,000 का ही है, लेकिन 5,00,000 से जैसे ही इनकम नीचे आता है यहाँ पर रिबेट मिल जाता है सेक्शन 87A का। तो ओल्ड टैक्स सिस्टम में आपको मैक्सिमम 12,500 तक का रिबेट मिलता है, लेकिन नए टैक्स सिस्टम में आपको 25,000 तक का रिबेट मिल जाता है इन केस अगर आपका टैक्सेबल इनकम 7,00,000 या उससे कम है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकम टैक्स कंप्यूट कर सकते हो अलग अलग सिचुएशन में। हमने अलग अलग टैक्स रिगमे में देखा कि कितना इनकम टैक्स हमें लग सकता है, हमें पता चल जाता है कि कौन सा टैक्स रिगमे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और कहीं पर बेनिफिट अगर कम मिल रहा है तो हम टैक्स प्लानिंग करके उसका बेनिफिट बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी एग्जांपल में देखा। तो ये सब फायदे होते हैं इनकम टैक्स कंप्यूट करने के। और इनकम टैक्स कंप्यूट आपको कब करना होता है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही। अब इनकम टैक्स का करंट स्लैब रेट क्या है या इनकम टैक्स के दूसरे वीडियोस देखने के लिए आपको स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो मुस्कुराते रहो, धन्यवाद।